नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुड़हल का फूल या इसके पत्ते के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या इसके विशेष लाभ होते हैं। दोस्तों, गुड़हल का फूल माँ दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। गुड़हल का पौधा अपने गुणों के कारण बहुत ही ज़्यादा लाभकारी पौधा होता है। इसके फूल, पत्ते और जड़ सभी ही स्वास्थ्यवर्धक है। आज हम गुड़हल के फूल के बारे में चर्चा करेंगे। गुड़हल एक खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। इसे गुड़हल, जबा कुसुम, जप्पा कुसुम, अरहुल, अड़हुल आदि नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बड़े ही फायदे होते हैं। यह आमतौर पर ट्रॉपिकल और गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे की कई प्रजातियां पाई जाती है और सभी अपने खूबसूरत फूलों से जानी जाती है। मज़ेदार बात यह है कि यह गुड़हल का फूल साउथ कोरिया, मलेशिया और नेशनल फ्लावर राष्ट्रीय फूल है। भारत में भी इस फूल को काफ़ी शुभ माना जाता है और कई धार्मिक संस्कारों और पूजा पाठ आदि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन आयुर्वेद में गुड़हल का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। गुड़हल की पत्ती का इस्तेमाल ना सिर्फ औषधीय बल्कि कई रूपों में किया जाता है। कई बार तो इसका इस्तेमाल पार्क या गार्डन को सजाने के लिए भी किया जाता है। गुड़हल की सूखी पत्ती का इस्तेमाल मैक्सिकन जैसे कई फूड्स को सजाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही इसकी पत्ती से बनाई गई चाय, जो कि अलग अलग देशों में कई नामों से प्रचलित है। दोस्तों, कई रिसर्च के जरिए यह बात साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है कि गुड़हल की पत्ती में औषधीय गुण पाए जाते हैं। 2008 में USDA के अध्ययन में यह पाया गया कि गुड़हल की चाय पीने से ब्लड प्रेशर कम होता है। आयुर्वेद में लाल और सफ़ेद गुड़हल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और इसका इस्तेमाल खांसी, बालों के झड़ने और बालों के सफ़ेद होने की समस्या से निजात पाने के लिए किया जाता है। साथ ही गुड़हल एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और इसका इस्तेमाल एंटी एजिंग के रूप में किया जाता है। इसके अलावा गुड़हल की पत्ती से बनी चाय का इस्तेमाल शरीर में, बॉडी में स्टेमिना जगाने के लिए भी किया जाता है। चलिए एक बार नज़र डालते हैं इसके कुछ विशेष गुणों पे। तो दोस्तों, गुड़हल की पत्ती और इसके फूल की पंखुड़ी से बना पेस्ट नेचुरल हेयर कंडीशनर का काम करता है। जब इसे शैम्पू के बाद लगाया जाता है तो यह बालों का रंग काला करता है और डैंड्रफ से भी छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, गुड़हल की पत्ती से बनी चाय का इस्तेमाल कई देशों में औषधि के रूप में किया जाता है। अगर आपको किडनी की समस्या है तो इससे बनी चाय बिना शक्कर के लें। साथ ही इससे डिप्रेशन के मूड में भी काफ़ी सुधार होता है। अपने खास गुणों के कारण गुड़हल का इस्तेमाल कॉस्मेटिक स्किन केयर में भी किया जाता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में गुड़हल की पत्ती का इस्तेमाल एंटी सोलर एजेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेता है। साथ ही इसका इस्तेमाल स्किन की झुर्रियों से निजात पाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, रिसर्च में यह पता चला है कि गुड़हल की पत्ती से बनी चाय को पीने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से निजात मिलती है, इसलिए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। दोस्तों, गुड़हल से निकले तेल का इस्तेमाल खुले घाव और कैंसर से हुए घाव पर भी किया जाता है। साथ ही यह कैंसर के शुरुआती स्टेप्स में भी काफ़ी कारगर साबित होता है। दोस्तों, यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। गुड़हल की पत्ती से बनी चाय LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी असरदार होता है। इसमें पाए जाने वाला तत्व आर्टरीज में प्लेक को जमने से रोकता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। गुड़हल की पत्ती में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जब चाय या अन्य रूपों से इसका सेवन किया जाता है तो यह सर्दी और खांसी के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके अलावा यह वजन कम करने और पाचन में भी काफ़ी सहायक होता है। गुड़हल के सेवन से भूख की इच्छा शांत होती है, ऐसे में वजन को कम करने में काफ़ी यह मददगार होता है। अरहुल की पत्ती से बनी चाय पीने से आप कम खाना खाएंगे और आपकी पाचन क्रिया भी काफ़ी तेज हो जाएगी। इससे शरीर में गैर जरूरी फैट जमा नहीं हो पाएगा। गुड़हल में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को हटाता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार गुड़हल किसी औषधि से कम नहीं है और किसी दवा से कम नहीं है जब बात आती है इसके विभिन्न प्रकार के उपयोगों में।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।